आई हुई समस्त दोनों नेताओं को चाड़े वाले वर्कर साथियों की ये बहुत बड़ी हाजिरी में जो टीम बैठी है सभी मेरे आदरणीय हैं। माताओं बहनों छायाकार व पत्रकार बंधुओं आप सभी का यहां पहुंचने पर मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राव साहब और चौधरी धर्मवीर जी को मैं बताना चाहता हूं, चौधरी धर्मवीर जी तो वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से, हंसी से नारनौंद हल्के से भी गांव गांव का इनको पता है, राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी सभी बातों से वाकिफ हैं। उसके बावजूद मैं आदरणीय राव इंद्र जी तो हमारे आदरणीय सांसद चौधरी धर्मवीर जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसे महेंद्रगढ़ नारनौल और गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र को आपने चमका दिया विकास के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में, उसी प्रकार से आसी को भी अपना हल्का समझ के आप इस हल्के का विशेष ख्याल रखें। आप सभी की तरफ से दोनों नेताओं को मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय राव इंद्रजीत जी का, मंत्री जी का और सांसद साहब चौधरी धर्मवीर जी का। भिवाणी से आसी और बरवाला टोहाना होते हुए पंजाब बॉर्डर तक एनएचएआई के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1330 करोड़ रुपए का गडकरी जी से मिलके हमारी छोटी सी मांग पर दोनों नेताओं ने मंजूर करवाया। मैं पूरे हलके की तरफ से आप दोनों नेताओं का दिल की गहराई से इस कार्य के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मंत्री जी, मैं कोई ज्यादा बड़ा भाषणबाजी वाला वक्ता तो हूं नहीं, मैं तो एक छोटा सा मांग पत्र आप दोनों नेताओं की सेवा में हल्के की तरफ से प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी मांग है कि आसी को जिला बनाया जाए। पिछले 11 साल से आसी हल्के की जनता और आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं इस चीज के इंतजार में हैं। आप चाहे हरियाणा सरकार को नायब सिंह सैनी जी से इसकी घोषणा करवाएं, चाहे भारत सरकार में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है उन पे दबाव बना के ये जिला डिक्लेयर करवाएं। दूसरा, आसी की जो सीवरेज लाइन है ये शहर की 1970 में जब शुरुआत हुई थी सीवरेज प्रणाली की, उस टाइम जनसंख्या के आधार पर डिजाइन करके ये सीवरेज लाइन डाली गई थी। 1970 से लेके ये 2000 तक का प्रोजेक्ट था 30 साल के लिए, लेकिन जनसंख्या 10 गुना बढ़ चुकी है शहर की। आज आधा घंटा अगर बारिश हो जाए तो हमारा पूरा शहर लबालब हो जाता है। यहाँ का नेतृत्व तो चाहे कोई भी रहा हो, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी के प्रति, शहर की सीवरेज प्रणाली की तरफ सीवरेज लाइन नहीं बिछवाने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया पूरे आसी शहर की। आदरणीय राव साहब और आदरणीय धर्मवीर जी सांसद साहब, ये मुख्य मांग शहर के लोगों की है जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है अमृत योजना में या कोई दूसरी योजना जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाती है, पहली योजना अमृत योजना जो हमारी यहां सैंक्शन हुई उसमें पानी की पाइपलाइन मंजूर की गई, दूसरी जो योजना अगले प्लान में होनी है उसमें इसको टेकअप किया जाए और हमारी शहर की जनसंख्या 10 गुना बढ़ चुकी जैसे मैंने पहले बताया, उसके हिसाब से सीवरेज को डिजाइन करवाया जाए। तीसरा, हमारी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी है जो पूरे इलाके को, नारनौंद हल्के को भी और आसी को भी पानी पहुंचता है, जिससे अपर हेड से सरकार द्वारा 875 क्यूसिक पानी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए मंजूर किया गया है।
लेकिन कई सालों से 400 क्यूसिक पानी हमें मिलता है, जिसकी वजह से खेती का पानी, खेत में पानी देने के लिए तो दूर गांव, जो बड़े गांव है, जो शहर के वाटर वर्क्स है, गांव के वाटर वर्क्स है, उनमें भी पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। गर्मी के दिनों में तो आदरणीय राव साहब 10-10 हजार रुपए का डेली पानी मोल आता है गांव के अंदर। आज जुलाई का महीना, बरसात का मौसम इस वक्त चल रहा है, उसके बावजूद शहर में पानी के कट लग रहे हैं। पानी 7 दिन मिलना चाहिए, लेकिन हमारे नहर में पानी आता है 45 दिन में। वाटर वर्क्स में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी पूरी होते हुए भी पानी पूरा नहीं हो पाता। हमारे शहर का एक पुराना वाटर वर्क्स है, उसकी सफाई करवाने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को कहे कि कोई स्पेशल विशेष अनुदान दे के उस वाटर वर्क्स के जितने टैंक है जो गाद से भर के सिल्टअप हो गए, उनको अभी साफ करवाने का कष्ट करे। आसी में एक अगली मांग रखना चाहता हूं जी। पहले हमारा रेलवे स्टेशन जो था वो छोटा था, अब जैसे ही हमारी आसी से रोड तक की कनेक्टिविटी रेलवे लाइन की होगी, आसी को जंक्शन का रूप दे दिया। 2 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका आसी में ठहराव नहीं है रेलवे स्टेशन पर, हमारे जंक्शन पर। एक चलती है गोरखपुर से बठिंडा और बठिंडा से वापिस गोरखपुर, जिसकी संख्या ट्रेन नंबर 1255 या 1256 है। दूसरी रेलगाड़ी चलती है बीकानेर से हरिद्वार के लिए और हरिद्वार से बीकानेर के लिए। दोनों गाड़ियों का ठहराव आसी रेलवे स्टेशन पर। आप रेल मंत्री को कह के भारत सरकार में दोनों नेताओं से निवेदन कि ये दोनों गाड़ियों का ठहराव यहाँ पे होना चाहिए। एक हमारा बहुत बड़ा गाँव गिराए है आसी हल्के का, 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद महावीर सिंह जी शहीद हुए थे। पंचायत की जमीन पर उनका संस्कार किया गया और पार्क का नाम शहीद महावीर सिंह स्टेडियम के नाम से नाम दिया गया। लेकिन 95 से लेके आज तक एक पैसा भी उसमें नहीं लगा किसी प्रकार का। मैं निवेदन करूंगा आपसे, शहीद जो है वो सभी के होते, कोई व्यक्ति विशेष या कोई गांव या क्षेत्र के नहीं होते। मैं निवेदन करूंगा आप एमपीलैड से या अपने स्वैच्छिक ग्रांट से, डिस्क्रिशनरी ग्रांट से गिराए गांव के शहीद महावीर सिंह स्टेडियम को देके इसमें मिट्टी डलेगी और हम इसको पार्क का रूप देना चाहते हैं, भव्य पार्क का। मैं निवेदन करूंगा अगली कड़ी में आप सभी हाथ उठा के इस बात का प्रस्ताव पास करें, आसी में बनने वाले स्टेडियम का नाम राव तुलाराम के नाम से बनाया जाए। यह जमीन यादवों के 9 गांव की जमीन है, मिलकर हमने दान में दी है, जिस पे स्टेडियम बनने जा रहा है। आप खड़े करके प्रस्ताव पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।